एक नया दिन हमारा शुरू हो चुका है आपका लेह में, और कल हम शांति स्तूप गए, उसके बाद काफ़ी इधर लोकल मार्केट में घूमे और हॉल ऑफ फॉर्म हम गए, लेकिन हम वहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचे जिसके कारण वहाँ बंद हो चुका था। तो उसके बाद हमारे मित्र मिल गए थे अभिषेक भाई और अरुण भाई, जो भविष्य में हमारे साथ फिर जोड़ेंगे। तो वो हमारे साथ आए। हाँ, उनके साथ हम उनके साथ गए, तो उन्होंने हमको थोड़ा सा लोकल मार्केट को विजिट कराए। हाँ, और फिर हमारा जो रातों से खाना था उन्हीं के साथ था। तो आज कल रात को हमने उनके साथ खाना खाया और इतने हम थक चुके थे कि हम वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज हमारी एक नई सुबह हो चुकी है और हमारे जो साथी हैं, आज हम नुब्रा वैली की ओर निकलने वाले हैं। तो ये हमारे देवतल्ला जी रेडी हो चुके हैं आप, और पंकज आज होगा कत्ल, ये अपनी कुकरी लेके आ चुका है। आज की शाम हमारी नुब्रा वैली में तो पहले अपने शरीर में तो बस सामान हमारा पैक हो चुका है, नाश्ता हमने कर लिया, नुब्रा वैली के लिए निकलते हैं। कितना बताया था, 100 किलोमीटर, 100-150 जितना भी है देख लेंगे, अब निकलते हैं और देखते हैं आज हम वहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तुरतुक के लिए बोल रहे थे, हालांकि तुरतुक के लिए हमारा हमने परमिट नहीं लिया ना, सब जगह के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम है, 2 दिन का टाइम हमारे पास, तो शायद से हम तुरतुक देखते हैं, ऐसे कोशिश रहेगी कि तुरतुक जाएं। उसके बाद बाकी क्या होना है ये फिर पता चलेगा, तो सामान पैक करके निकलते हैं। तो रेडी हो आप? हम रेडी हैं। तो फिर चल करो, ये हमारा लगता है हमारे ड्राइवर साहब तैयार हैं नीचे। देवतल्ला जी आप क्या कर रहे हैं? हम गाने के लिए कुछ संगीत ढूंढ रहे हैं। और देवेंद्र बाबू सही है, तो रेडी हैं आप? रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। न्यू हो रहा मैट्रिक्स के न्यू हो रहा, न्यू तो ठीक है, फिर चलते हैं, सफर का आनंद लेते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो ये अब हमारा सफर बहुत शानदार तरीके से शुरू हो चुका है, अभी हम खरदुंगला जाएंगे, यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद फिर आगे वहाँ रुकेंगे, वहाँ सबसे ऊंची मोटरवेल रोड है वर्ल्ड की, तो पंकज ने कहा इसको देखना बहुत जरूरी है। सबसे ऊंची क्या है? मोटरवेल रोड वर्ल्ड की, तो आज हम उसको देखेंगे, हम उसको दूसरों के चैनलों में देखते थे, आज खुद के चैनलों में देखेंगे, जाके देखेंगे अपनी आंखों से, खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या है करके, ऐसी खास बात वहाँ की। तो सफर शुरू हो चुका है, यलगार हो, यलगार हो, निलंबा या हुआ। तो हम पहुंच चुके हैं आपके साउथ पुल्लू, एक साउथ पोल है, ये है साउथ पुल्लू और ये है पंकज थापा। ये साउथ पोल अकेले जा चुके हैं 3 बार और वहीं से इन्होंने -38 डिग्री सेल्सियस में रहना सीखा है, वो बर्फ के अंदर सड़ा डाल देते हैं। जगह है क्या? लगा दो, पैक कर, लगा लो, लगा दी, गाड़ी लगा दी, लगा दी, रहने 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 रहने, लगा दी, लगा दी, उसके आगे भी है। साउथ कुल्लू में खाली गाड़ी का नंबर और अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी थी, हम डाल चुके हैं और हम आगे को निकल चुके हैं। तो सफर अब हमारा जारी है और यहाँ चेकिंग होगी क्या, देख लो पहले एक बार। हाँ चलो 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 चलो, हम पहुंच चुके हैं आपके खरदुंगला। खरदुंगला पहुंच गए आप? खरदुंगला विश्व की सबसे ऊंची मोटरवेल रोड। अभी हमारी जो निर्णायक मंडली, उन्होंने ये निर्णय लिया कि खरदुंगला समिति का गठन किया गया और वोटिंग की गई है,
उसके अनुसार तो हम क्या तो नतीजा ऐसा निकला कि अभी ऐसा सोचा है कि हम सीधे ही जाएंगे और जो कुछ कुछ मतलब जगह छूट गई है वो आते समय कवर करेंगे। तो समिति में पारित किया जाए फिर सर्वमान्य होगा, सर्वमान्य होगा तो इसको हम पारित करते हैं और हम आगे के लिए निकलते हैं नुब्रा वैली के लिए। और यहाँ फोटो खिंचाने की काफी लंबी लाइन लगी है तो यहाँ रुकना तो हमारा भी समय बर्बादी है, समय बर्बादी है यहाँ पे रुकना। तो इनको खिंचाने देते हैं आते समय, फिर ये सब यहाँ रुक के एंजॉय करेंगे खजरमला को। फिलहाल आगे की तरफ निकलते हैं। हमारे संग है मल्टी लैंग्वेज नॉन पर्सन। और ये हिचकोली खाती हुई गाड़ी, इतने झटके लग रहे हैं, इतने झटके लग रहे हैं, वाह। थोड़ा बहुत बीच बीच में कहीं पे हल्का सा रास्ता उबड़खाबड़ है लेकिन चलने लायक है। खरदुंगला टॉप पे थे यार, और ये खरदुंगला जो है जो गांव है उससे हम गुजर रहे हैं। कहीं खाने के लिए रुकेंगे क्या? ये आगे खाएंगे, क्या करना है? नहीं खाना, खाना है कहाँ खाएंगे? आगे भूख लगी है? हाँ नहीं भूख लगी है तो नशे में एक नींद का नशा है। मतलब हम आगे ड्राइवर पैकेट खोलेगा मुंह डालेंगे तुम्हारे। हेलो धन्यवाद। शायद और क्या करता हूं मुंह उनके मुंह में डाल दो। मैं मुंह डाल देता हूं, मुंह डाल दो। देखिए किस तरह से ये एडवेंचर वाली रोड बनी है और हमारे जो पायलट साहब है पूरे एडवेंचर के साथ है और दिनेश दत्ताला जी उनका साथ दे रहे हैं और देवेंद्र बाबू ने यहाँ उत्पात मचा रखा है। लिवंडा ये देखिए, वाह तो खेलते हुए पंकज बहुत बेहतरीन तरीके से गाड़ी चला रहा है। देखिए ओह माय गॉड इट्स फ्राइड राइस। लगा मूड बनाया सुबह से। रेत अब हम यहाँ पर नाश्ते के लिए रुके पड़े हैं और नुब्रा वैली में और हम सोच रहे हैं कि पहले तुरतुक खोया है और कल आते समय हम नुब्रा वैली में जो मेन मेन मॉन्यूमेंट है और जो यहाँ देखने की जगह है तो कल आके हम देखेंगे। तो फिलहाल तुरतुक के लिए निकलते हैं हम, तुरतुक बॉर्डर के लिए। जय हो तुरतुक देवता। जय हो तुरतुक देवता की। तुरतुक देवता की जय। पानी पिला। कैसी है? खुद पी ले।
कर सकते बॉटल कल घर से निकले थे ना तो क्या कहते हैं ये गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए गया था। अब गाड़ी की सर्विस इतनी खतरनाक हो रही है। नॉर्मल सर्विस आई थी, नॉर्मल सर्विस आई थी, सर्विस तो सर्विस होती है। हाँ। तो देखते हैं हर चीज। और ये देखिए क्या क्या, ये जैसे लग रहा था कि रोडवेज की बस होगी भाई, ये रोडवेज की बस चल रही होगी, ऐसे आवाज आ रही है, ब्रेक से चूक की आवाज आ रही है। सर्विस कराई या खटपट कराई? तो हम इस बार कराई होती तो चलो कहते हैं मान लीजिए। सर्विस कहाँ कराई है वो मुझको भी देखनी ना हमने। वो गाड़ी की सर्विस सेंटर है, सर्विस क्या कराई जहाँ खटपट खटपट हो रही है? ब्रेक चू कर रहा है, ब्रेक चू चू कर रहा है उसको। मैं ऐसा क्या सर्विस करी उसकी? अभी नहीं करेगा जो उसकी आवाज सुन मतलब क्या बात है यार, तुम क्या कहोगे इसके बारे में? मतलब वही तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ना। देखिए सर्विस के बाद तो गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है, कम से भी लगता है गाड़ी स्मूथ चल रही है। पता नहीं क्या सर्विस की इन्होंने यार, ऐसी खतरनाक सर्विस कर रखी है। बहुत जल्दबाजी में था, सारा रिफंड कराना पड़ेगा, सारा का सारा पैसा रिफंड होगा हमारा, सारा पैसा रिफंड करेंगे पूरा इंश्योरेंस जो जो सर्विस का हो गया। जिंदगी का घोर अपमान, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। चलो चलो बाप रे, देखो कितना खतरनाक हो रहा है। बहुत ही खतरनाक, गलती से अगर नीचे आ गए बवाल हो जाएगा। हम यहाँ उतर गए पैदल क्योंकि गाड़ी हल्की करनी थी, ऐसी खड़ी चढ़ाई है। और ये देखेंगे आप ऊपर, ये चट्टान, पूरी चट्टान ही चट्टान है। और ये देखिए आगे जा रहा है, चलो चलो। दे बाबू देख आप तो हमें देख सकते हैं हालत बुरी हुई है। मजे तो ये ले रहे हैं। तुरतुक कहाँ जा रहे हम? तुरतुक तुरतुक अपने एक नए मुकाम पे पहुंच चुके हैं हम। और अभी हम हैं तुरतुक में, और अभी हम तो यहाँ जाएंगे म्यूजियम जाएंगे, तो म्यूजियम में देखते हैं यहाँ के जो वॉर के बारे में और जो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में वो बताई गई है, आज के बारे में जानते हैं। ये भी भारत का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा। और ले लद्दाख के चरण में हम आपके टूटुक में पहुंचे हैं। और टूटुक में सबसे मजे की बात, अभी हम जो सर अभी बता रहे थे डायनेस्टी है, और कुछ सर हैं अभी हमारे साथ, उसके मतलब मैं यकूत डायनेस्टी का एक भरत हूँ। मेरी डायनेस्टी में गिलगित बल्तिस्तान और ताजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तो राज की, तो मैं राजा तू से मेरा नाम 47 पर आता है। तो मेरे डायनेस्टी ने 2000 साल राज की इसीलिए। और ये मतलब ये आपका ही मतलब पहले से एक गवर्नमेंट की नहीं है, मेरा पसरा प्रॉपर्टी है इसको यकूत पहले से आप तुर्क कहते हैं। हमको बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम सर से मिल रहे हैं। सही बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
गार्डन में था, तो जो है उसके बाद अभी जो है जब हो गया, तो उसके बाद अभी जब हमारे दादा का राजगी खत्म हुआ, पाकिस्तान सरकार ने हमारे दादा की राजगी छीन ली, तो लोगों ने घर बनाते बनाते अभी ये गर्म के बीच में आ चुका है। पहले बहुत बड़ा था। अगले चरण पे चल रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं पेंगोंग लेक की ओर, और बहुत खूबसूरत नजारा है बाहर का, उससे ज्यादा खूबसूरत पीछे दत्तल्ला जी है और जिसने मोबाइल पकड़ रखा है और बगल में पंगस साहब। तो मतलब आप ये पहली बार जा रहे हो, इससे पहले भी जा चुके हो आप? नहीं, ये हमारा पहला ट्रिप है। अच्छा, हम पहली बार पेंगोंग लेक जा रहे हैं। और रेत में पहली बार सोए थे? इससे पहली बार भी सोए हो? नहीं, पहली बार सोए थे। तो आपको मजा आया? बहुत मजा आया, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था। पहला एक्सपीरियंस हमेशा शानदार होता है। तो मतलब आपको ऐसा तो नहीं हुआ, तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं थी। हमारे साथ दिलेश देवताला जी थे। अच्छा। और हमारे पंकज थापा थे, जो अभी कैमरामैन बने पीछे। कैमरामैन ओके। और ये था कि आप हमारे साथ कल रात नहीं थे, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे आपको आपकी रात कार में कैसी बीती? हमारी कार में बहुत बढ़िया रात बीती, और ऐसा लगा जैसे कि हम रात को सोए और सुबह 11 बजने भी उठे। हमारा घर में सोए, कार भी छोटा सा घर होती है। बिल्कुल, कार हमारा छोटा घर ही है। और कल लेकिन हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ टेंट के अंदर। और टेंट के अंदर, टेंट के अंदर कहाँ रह जाएगा, टेंट के अंदर रहते हैं। पैंट तो पहनी जाती है, अगर वो भी बेल्ट लगाई हो तो मेरे पैंट नीचे गिर सकती है, लेकिन टेंट के साथ भी टेंट में हम रहते हैं। लेकिन आप इस चीज को मानते हैं कि खूबसूरती बहुत है यहाँ करके? खूबसूरती यहाँ बिल्कुल खूबसूरती। आप देखिए, अगर आप इस तरह ये जो पेंगोंग लेक की तरफ जा रहे हैं तो आप देखिए, हम जहाँ देखो ये भी नेचर की खूबसूरती है कि यहाँ पत्थर हैं, चारों तरफ पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको, चारों तरफ रोकड़े रोकड़े हैं। और इस पत्थर वाले दुनिया में पानी भी है, देखिए पूरी नदियाँ बह रही है। वाह, तो ये भी तो एक खास नजारा है। वाह, क्या नजारा दिखाया तुमने। तो ये तुम्हारा प्रकृति का, इधर दिखाइए, ये देखिए आप, ये देखिए, ऐसे नहीं दिखेगा, चमक रहा होगा, दिख रहे हैं, घुमा के दिखा दो, अब दिखा दूंगा आगे, अब बोलते रहो। तो अभी हो नहीं पाए हमसे, हम नहीं तो आपको बाहर का नजारा दिखाते, ये हमसे इससे सेटिंग नहीं हो पाई, कभी कभार सेटिंग नहीं हो पा रही ना, तो सारी थोड़ा हमारी जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जीवन बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं क्या कहूँगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ कि ये वीडियो बनाने से मैं सेटिंग नहीं हो पाई और वीडियो गलत बन गई है, अभी बड़ी मुश्किल से बन रही है। नहीं, आप बहुत अच्छी बना रहे हैं, आप बनाते रहिए। एक दिन आपको हमने सोचा है ना कि जब आप यहाँ से वापस जाए तो आपको शादी ब्याह में काम मिलना, शादी ब्याह में यहाँ से मतलब 15 तारीख के बाद मैं बुकिंग लेना शुरू कर देता हूँ, बुकिंग लेना शुरू करता हूँ, काम आपको चलेगा बहुत बिल्कुल। वहाँ के जो जितने भी वीडियोग्राफर है सबके काम फील करता हूँ, और आपका जो कैमरा है पीछे तामा जी के हाथ में उसको रेंट पे लूंगा, रेंट जब भी दूँ, लेकिन मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। और मैंने जो चीज बताई वो पक्का करना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, उसकी वजह से आप मशहूर हो जाएंगे। देवताला जी, आप ही इसमें मेरा साथ देंगे ना? जो भी घाटा होगा एक साथ देख लेंगे, ठीक है? आपके रहते हुए नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम उससे तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। तो हम फाइनली चलते हैं पेंगोंग लेक की ओर। चलते हैं। ओके, चलिए भाई, पैदल चलना शुरू करते हैं। ओके, समय है, हम हैं आपके मैत्री बुद्ध के पास, मैत्री सामने पहुंचे अभी हम, और इसके ठीक सामने स्केट मॉनेस्ट्री है, इसके ठीक सामने हमारे देवताला जी हैं। और खूबसूरती देखी ना आगे, एक तो हाइट पे है। अब हम यहाँ से डिस्क्रिप्ट मॉनेस्ट्री में जाएंगे, और आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? लेकिन यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज़ है नेचर,
ये इतनी खूबसूरत जगह पे स्थापित है कि यहाँ चारों तरफ से इतनी ज्यादा शांति है, बहुत ज्यादा पीस है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ आ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपको क्या कहना चाहिए इसके बारे में आप बताइए। आप ऊपर देखना चाहे देख सकते हैं, ये कैमरा वालों नहीं था इसलिए हम यहाँ से आपको कभी ब्रीफिंग दे रहे हैं इसकी। बाकी इधर की तरफ वो मैत्री बुद्धा स्टैचू थी, वो उसमें तो कैमरा वाला होता, तो वहाँ के हमने वीडियोज़ वगैरह और फोटोज़ वगैरह ली है। तो फिर अब यहाँ पर हम आगे की ओर अपना सफ़र जारी रखते हैं और हम यहाँ से हम सोच रहे हैं कि नाश्ता करेंगे डुबरा में और वहाँ से फिर निकलेंगे आगे पेंगोंग के लिए, क्योंकि पेंगोंग भी अच्छा खासा सफ़र है। तो सोचते हैं कि टाइम नहीं निकल जाए जिससे वहाँ पहुँच के हमारे निकलो। देख लूंगा ये लग गया है आपका जाम और बीच बीच में रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन चलेगा और हम जाने को तैयार हैं, अच्छी तरीके से हम जा रहे हैं। इधर भी देखिए पत्थर, देखिए चल अब हम पेंगोंग पहुंचने वाले हैं और कुछ देर का इंतजार। और ये हमारा स्विट्जरलैंड का सफर चालू है, बस 3 किलोमीटर तो स्विट्जरलैंड और बाय रोड आए हैं यहाँ पे, हमने इतिहास सजाए। और इस समय हम जा रहे हैं आपके उस जगह पर जहाँ थ्री शूटिंग हुई थी, वहाँ पर खासा स्कूटर लगा रखे हैं लेकिन जो शूटिंग वाला एरिया वो ये वाला एरिया जा रहे हैं। और यहाँ बाइक ले जाना पेंगोंग लेक का जो सफर है आज